तो फ्रेंड जैसा कि मैंने बताया था कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, MP ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के एग्जाम डेट को लेकर, एडमिट कार्ड को लेकर, रूल बुक को लेकर कोई भी ऑफिशियल अपडेट जारी होता है भाई प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक सबसे पहले पहुंचा पाऊंगा। तो फ्रेंड्स फाइनली जो भी स्टूडेंट MP ट्रेनिंग ऑफिसर की भर्ती का वेट कर रहे थे उनके लिए एक बैड न्यूज़ आई थी, जिसको मैंने आपसे शेयर भी किया था कि भाई इसका जो एग्ज़ाम है एक्चुअली मई से पोस्टपोन कर दिया जाएगा। जैसा कि इस पर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया गया था कि भाई मई में आपका एग्ज़ाम होगा, तो वो चीज़ जो है यहाँ पर अब पोस्टपोन कर दी गई है उस डेट को, ठीक है। तो अभी एक और नया कैलेंडर जो है PEB प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में नया शेड्यूल जारी हुआ है भाई एग्ज़ाम डेट को लेकर, मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर ITI की, ठीक है। तो यहाँ पर वही मैं चीज़ आपसे शेयर करूँगा कि अभी जो एग्ज़ाम शेड्यूल नया जारी किया है जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने, तो उसमें अब आपका जो है एग्ज़ाम डेट आपको कब देखने मिल सकता है। एक्चुअली स्टूडेंट बहुत टाइम से वेट कर रहा था, ठीक है, कि भाई इसका कैलेंडर अब कब अपडेट होगा, क्योंकि मई में तो इसका एग्ज़ाम होने से रहा नहीं भाई, मई में इसके एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो अब इसका जो है अगला एग्ज़ाम हमें कब देखने मिल सकता है, जो हमारी डेट एक्सटेंड हुई है, तो उसको ही मैं आज आपसे शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स फाइनली अभी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने एक जो है नया कैलेंडर अपडेट किया है एग्ज़ाम डेट को लेकर। तो जैसा कि मैं अभी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, देन यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा भाई जो एग्ज़ाम शेड्यूल है इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइनली जो अगले पेज पर जब मैं आऊँगा, तो यहाँ पे नीचे क्लियरली भाई टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट को फिर से अपडेट किया गया है, जितने भी एग्ज़ाम डेट हैं, ठीक है, जितने भी यहाँ पोस्ट के लिए एग्ज़ाम डेट हैं सबको जहाँ पर अपडेट किया गया है, ठीक है। तो हमें केवल देखना है भाई ITI मध्य प्रदेश ITI प्रशिक्षण अधिकारी के एग्ज़ाम डेट को, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली भाई मेंशन किया गया है कौशल विकास संचालनालय के अंतर्गत प्रशिक्षण अधिकारी के पद हेतु भर्ती परीक्षा, ठीक है, एग्ज़ाम टाइप रिक्वायरमेंट टेस्ट, और टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट जो जहाँ पर मेंशन किया गया है वो September 2022, ठीक है। फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ भाई, September 2022 तक जो है आपके एग्ज़ाम को यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया गया है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा, ठीक है। अब कुछ चीज़ें मैं आपसे क्लियर करूँगा, तो अभी वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो देखो भाई एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन हुई है अभी जो मई चल रहा है, ठीक है। तो मई से अगर हम माने तो जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है, सितंबर में आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 महीने जो है, यहाँ पर 3 से 4 महीने जो है यहाँ पर एग्ज़ाम डेट को फिर से जो है यहाँ पर पोस्टपोन किया गया है, ठीक है। तो इस बार क्या है, देखो भाई हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लो। मैं मानता हूँ कि भाई स्टूडेंट बहुत टाइम से तैयारी कर रहा था प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो अपडेट आया था MP ITI भर्ती को लेकर, उसकी काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा था, लेकिन क्या हुआ है भाई जैसे जैसे जो है डेट एक्सटेंड होती गई, कहीं ना कहीं स्टूडेंट की तैयारी में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ठीक है। तो अभी एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ, देखो भाई जो रिक्वायरमेंट अब आपको देखने मिलेगा MP ट्रेनिंग ऑफिसर का, ठीक है, वो काफ़ी अच्छे पदों पर यहाँ पर जो है भर्ती आपको देखने मिलेगी मध्य प्रदेश प्रशिक्षण अधिकारी की, क्योंकि जितना डिले होता जा रहा है भाई, तो कहीं ना कहीं आपके पोस्ट ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट आपको बहुत अच्छा देखने इस बार मिल रहा है भाई मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर को लेकर, ठीक है। अब जब रूल बुक इसका ऑफिशियल आ जाएगा अपडेट, देन क्लियर हो जाएगा कि भाई इस बार आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिपार्टमेंट ने रखा है, ठीक है। हाँ भाई उनका शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, इसलिए जो है आपके एग्ज़ाम डेट को यहाँ पर पोस्टपोन किया जा रहा है, लेकिन इस बार भाई क्या शेड्यूल बनता है और इस बार कितनी नंबर ऑफ पोस्ट आती है, तो जिस तरह से डेट पोस्टपोन हो रही है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए, तो भाई इस बार काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ पोस्टों पर यहाँ पर रिक्वायरमेंट आपको देखने मिलेगा इस बार MP ट्रेनिंग ऑफिसर में, ठीक है। लगभग 4 से 5 साल भाई एग्ज़ाम डिले हुआ है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको इस बार बहुत अच्छी पोस्ट जो है देखने मिलने वाली है, ठीक है। अभी मैं कुछ नहीं बता सकता कि कितनी पोस्ट आएंगे भाई, एक्सपेक्टेड मैं आपको बता दूं तो इससे कोई फायदा नहीं है, जब ऑफिशियल इसका रूल बुक आएगा, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, देन हम सारी चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे कि भाई आपका जो है यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या पे स्केल है, कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से आपको तैयारी करना है, ठीक है। तो देन सारा कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि टेंटेटिव एग्जाम डेट को मेंशन किया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम माने, तो इनका जो नोटिफिकेशन है, जो रूल बुक है, ठीक है, इसका अगर रूल बुक का हम माने तो अगस्त में जो है इसका रूल बुक आ जाएगा, अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक जो है यहाँ पर इसका रूल बुक आ जाएगा, ठीक है। तो जिस तरह से बताया है, तो भाई सितंबर में जो है यहाँ पर आपके एग्ज़ाम डेट को पोस्टपोन किया गया है, और अगस्त में जो है यहाँ पर आपका
रूल बुक देखने मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यही अभी अपडेट देनी थी भाई। अब ट्रेनिंग ऑफिसर के जो भी अपडेट आती है आगे चल के, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा भाई। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तैयारी को स्किप ना करें, ठीक है, कंटिन्यू रखें, है ना। डेट पोस्टपोन हुई है भाई, भर्ती कैंसिल नहीं हुई है ना। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, है ना भाई। नया आए हो तो चैनल के साथ बने जरूर रहना, ताकि MP ट्रेनिंग ऑफिसर की कोई भी ऑफिशियल अपडेट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन डिटेल में जो है मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।